क्या तुम्हें जेनी उदास नहीं लग रही? बोलो। मुझे नहीं पता शिजुका, मुझे तो ये बिल्कुल पहले वाले जैसे ही लग रही है। मुझे अरे? तुम इसकी फीलिंग्स को नहीं समझ सकते। इसे एक ऐसा सदमा पहुंचा है जिससे ये शॉक में है। शॉक में? हाँ बिल्कुल। दरअसल बात ये है कि जेनी और जैक एक दूसरे से बहुत प्यार किया करते थे। क्या जैक भी एक डॉल है? तब तो वो एक बहुत अच्छा डॉल होगा ना? हाँ पता है, वो बहुत हैंडसम भी है, लेकिन अब वो... अरे बताओ तो जैक को क्या हो गया? पता नहीं, जैक कहीं खो गया है। क्या वो गायब हो गया? हाँ शायद। समझ नहीं आता कि अब मैं क्या करूं। शिजुका, एक डॉल कैसे गायब हो सकती है, जरा मुझे बताओ। या तो तुम उसे कहीं पर रखकर भूल गई होगी, या फिर तुम्हारी मॉम ने उसे फेंक दिया होगा क्योंकि तुमने उसे बाहर छोड़ दिया होगा। ऐसा ही हुआ होगा, है ना? मुझे तुमसे नफरत है नोबिता। शिजुका को आज क्या हो गया? वो बच्चों जैसी बातें कर रही है। ये भी उसकी कोई उम्र है डॉल से खेलने की? कहती है कि उन दोनों में प्यार हुआ और एक गायब हो गया। मुझे तो लड़कियों का नेचर समझ में नहीं आता। हाँ नोबिता, तुम कहाँ जा रहे हो? वो बात दरअसल ऐसी है कि शिजुका ने मुझे फोन करके कहा कि उसे मुझसे कुछ बात करनी है। शिजुका ने तुम्हें फोन किया था? मैं समझ गया। क्या बात होगी? क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है नोबिता? अरे नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं पता, तुम जाकर ही पता कर लो। चलो चलता हूँ, बाय बाय। आज तो डेकी सूगी फंसी गया। लेकिन वो तो बहुत स्मार्ट है ना। डोरेमोन, डोरेमोन सुनो। ये फिश पैनकेक, ये तो उड़ रही है। काम हो गया। मैंने कर दिखाया। ये क्या चल रहा है? पकड़ लिया। ये है फिश पैनकेक फिशिंग। लेकिन डोरेमोन, ये फिश पैनकेक उड़ कैसे रही है? अभी बताता हूँ। एनिमेटिंग माइक्रोवेव। अगर तुम एक एनिमल शेप्ड चीज के ऊपर एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ साउंड वेव्स डालो तो उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और तुम कुछ देर के लिए उसे आर्टिफिशियल लाइफ दे सकते हो। क्या तुम्हारी समझ में कुछ आया? क्या? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा डोरेमोन। अच्छा फिर तो फिश शेप पैनकेक काम आएगा। इस प्रोटीन के इस्तेमाल से ये हिलता है। सुनने में अजीब लगता है पर ये सच है, समझे? हे, इधर वापस आओ। इस गैजेट की मदद से मैं शिजुका की मदद कर सकता हूँ। शिजुका खुश हो जाएगी और मुझे माफ भी कर देगी। बड़ा मजा आएगा। मुझे समझ आ गया कि तुम्हारा बॉय डॉल अपने आप घर से नहीं भाग सकता। लेकिन कैसे देखी सुगी? आसान है, उस डॉल को कोई और बाहर लेकर गया है। बाहर ले गया? क्या कोई मेरे साथ शरारत कर रहा है? अरे शिजुका, मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि किसी इंसान ने ऐसा किया है। हाँ? कोई बिल्ली भी तो ये काम कर सकती है ना शिजुका? अरे हाँ, मुझे याद आया कि कभी कभी पड़ोसी की बिल्ली घर के अंदर आ जाती है। सही था, मुझे ऐसा लगता है कि एक बिल्ली तो डॉल को खा नहीं सकती, तो उस बिल्ली ने उस डॉल को कहीं छोड़ दिया होगा। लेकिन मैं उसे कैसे ढूंढूंगी? देखो मेरे पास एक आइडिया है शिजुका। मैं हर जगह ऐसे पोस्टर्स लगा देता हूँ और तुम जाकर लोगों के पास इंक्वायरी करो, ठीक है? ठीक है, मैं ऐसा ही करती हूँ। हम उसे ढूंढ लेंगे। थैंक यू वेरी मच। क्या वो दोनों बाहर गए हैं? हाँ, उन दोनों को गए तो बहुत देर हो गई है बेटा। पता नहीं वो दोनों कहाँ गए होंगे। तुम चाहो तो अंदर आकर इंतजार कर सकते हो। थैंक यू। पता नहीं शिजुका और डीकी जुकी क्या कर रहे होंगे, ये बात मुझे अच्छी नहीं लग रही है। हे जेनी, क्या तुम सच में उदास हो क्योंकि जैक नहीं है? अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। मैं इसी को एनिमेट करके इससे जैक के बारे में पूछता हूँ। हाँ ये करना सही रहेगा। अरे वाह, ये तो सच में हिली। अगर ये इसी तरह रोती रहेगी तो मैं जैक को कैसे ढूंढूंगा? क्या करूं? अरे तुम कहाँ जा रही हो? अरे जेनी प्लीज रुक जाओ। एक्सक्यूज मी, आपसे एक सवाल पूछना था। क्या आपने किसी डॉल को देखा है? क्या एक डॉल? हाँ वो एक बॉय डॉल है। मुझे नहीं पता। अच्छा ठीक है, मुझे जैक को ढूंढने का कोई सुराग नहीं मिल रहा। समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। शिजुका,
मैंने सारे पोस्टर्स लगा दिए। क्या सच में डेकी सूगी? हाँ, और मैंने तो पुलिस ऑफिसर को भी इस बारे में बता दिया है। वैसे तुम्हारा काम कैसा रहा? बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। किसी ने भी डॉल को नहीं देखा और कोई सुराग भी नहीं मिला। अब मैं क्या करूँ? देखो, हम जो भी कर सकते थे हमने किया। अब हम सिर्फ इंतजार कर सकते हैं। उदास मत हो, हम उसे जरूर ढूंढ लेंगे। तुम हिम्मत रखो। सही कहा। मैं चलता हूँ, अगर वो मिल जाए तो मुझे बताना। मदद करने के लिए शुक्रिया डेकी सूगी। वो आखिर गया कहाँ? मैंने सारी जगह ढूंढ लिया लेकिन मुझे वो जेनी नहीं मिल रही। अरे नोबिता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ कैसे? वो क्या हुआ कि जेनी घर से भाग गई। शायद वो जैक को ढूंढने गई है। मैंने हर जगह ढूंढ लिया पर मुझे वो नहीं मिल रही। पता नहीं वो कहाँ गई। मैं कुछ समझी नहीं, ठीक से बताओ। वो क्या हुआ था कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया नोबिता? अगर जेनी गुम हो गई तो इसमें तुम्हारी गलती है, समझे तुम? इसके जिम्मेदार तुम हो। मैं तो मदद करना चाहता था। जेनी, अब तुम्हें मैं कहाँ ढूंढूंगी? शिजुका प्लीज रो मत। कान खोलकर सुन लो नोबिता, मुझे तुमसे नफरत है। अब समझा, हर किसी को तुमसे नाराज होना ही था नोबिता। कुछ तो करो डोरेमोन, अगर मैंने उन्हें नहीं ढूंढा तो शिजुका मुझसे जिंदगी भर बात नहीं करेगी, फिर मैं क्या करूँगा? प्लीज डोरेमोन मेरी मदद करो। मुझे सब कुछ पता है, पर अब शायद तुम्हें सबक मिल गया होगा और अब तुम मेरे गैजेट्स का इस्तेमाल फिर कभी नहीं करोगे। नहीं करूँगा। मेरे ख्याल से जेनी के घूमने से पहले जैक को ढूंढना आसान होगा। बोलो नोबिता, तुम्हारा क्या ख्याल है? लेकिन वो कैसे डोरेमोन? वो समझ गया। अच्छा ही, सुनो तो, क्या तुमने यहाँ पर एक डॉल को देखा है? एक बॉय डॉल जिसका साइज शायद इतना होगा, बताओ तो। अच्छा, तो तुमने उसे देखा था? ठीक है, मैं समझ गया, उसने मुझे सब कुछ बता दिया है नोबिता। अच्छा, तुम क्या समझ गए डोरेमोन? देखो, उसने मुझे ये बताया है कि क्यूरो नाम की एक बिल्ली जैक को मैदान की तरफ ले गई है। क्या क्यूरो? हमारी मदद करने के लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं ये नहीं समझा कि क्यूरो उस डॉल को मैदान में क्यों ले गई? देखो, क्यूरो की एक आदत है, जो चीजें वो चुराती है उन्हें वो हमेशा घास के नीचे छुपा देती है। ये रही उसके छुपाने वाली जगह। वाह, यहाँ पर तो बहुत सारा सामान है, लेकिन मुझे डॉल तो कहीं नहीं दिख रही डोरेमोन। सही कहा। अरे ये क्या है? हाँ, डॉल का जूता। मुझे लगता है ये जूता जरूर जैक का होगा। हाँ, लेकिन अगर ये जूता जैक का है तो जैक कहाँ है? हाँ? देखो क्यूरो। हे क्यूरो, तुमने जैक के साथ क्या किया, बोलो। क्या डोरेमोन, इसने क्या कहा? पता है, इसने कहा कि इसे जैक बहुत अच्छा लगता था, पर ये जब यहाँ पर नहीं था तो किसी ने उसे चुरा लिया। क्या ये सच कह रही है? पता नहीं उसने सच कहा या नहीं, हमारे पास सबूत भी नहीं है। अब मैं शिजुका को क्या कहूँगा, वो मुझसे नाराज ही रहेगी। हाँ? क्या हुआ? अरे देखो, एक पपी की डॉल। एनिमेटिंग माइक्रोवेव देना। हाँ ठीक है, ये लो। अच्छा डॉगी, अब इस जूते की खुशबू का पीछा करो। अरे वाह, बहुत बढ़िया नोबिता, कहना पड़ेगा तुम्हें ऐसे आइडियाज बहुत कम आते हैं। डोरेमोन, इससे तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? अरे वो कुछ नहीं। हाँ, शायद उससे मिल गया। हाँ, सही कहा, चलो। अच्छा तो ये घर। हाँ, वो बॉय डॉल मेरे ही पास है। क्या सच में? मैंने उसे मैदान में घास पर पड़े हुए देखा था तो मैंने उसे उठा लिया। अरे, हमें जैक मिल गया डोरेमोन, अब शिजुका मुझे माफ कर देगी। मैं उसे तुम दोनों को नहीं दूंगी। मेरी बेटी और जैक को एक दूसरे से प्यार हो गया है, तुम दो प्यार करने वालों को अलग कैसे कर सकते हो? उनका प्यार सच्चा है और इसीलिए मैं तुम दोनों को उन्हें अलग नहीं करने दूंगी, समझे तुम? अरे ये तो जेनी है। जेनी यहाँ पर कैसे? रुक जाओ। उसे कैसे पता चला कि जैक यहाँ पर है? नोबिता, इसे कहते हैं प्यार की ताकत। प्यार की ताकत? ये दोनों दोबारा मिल गए। ये कितना प्यारा लग रहा है, देखो जैक कितना खुश है ना नोबिता? तुम झूठ बोल रहे हो, वो परेशान लग रहा है। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो भला? क्योंकि मुझे पता है, मुझे अपनी बेटी के लिए बहुत दुख हो रहा है। ये तो बहुत बुरा हुआ। हमें डॉल्स को खुद ही डिसाइड करने देना चाहिए कि उन्हें क्या करना है।
क्या डॉल्स को? जेनी! जैक! मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत परेशान था। हाँ, मैं भी। बेटी, कोई बात नहीं, जोर से रोलो। पहला प्यार हमेशा बहुत दुख देता है। बेचारी बेटी, उसके साथ बुरा हुआ। हाँ, पर मुझे पूरा विश्वास है कि उसे जैक से भी अच्छा साथी मिलेगा, है ना? हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा।